Assalamualaikum and welcome back or back to welcome. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबसे माजरा दूँ कि मैंने इतनी देर के बाद व्लॉग अपलोड किया है। तो बेसिकली मेरी फूफो की है शादी और आज है मेहंदी। तो मैं अपनी फूफो के तीनों शादी के इवेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जितना मुझसे हो सका, एज पॉसिबल एज आई कैन। जितना मेरे मोबाइल ने मेरी स्टोरेज में मेरा साथ दिया उतने मैं व्लॉग बना लूँगी। और यार मेरे ढोलकी शादी से पहले ढोलकी होती है ना, मैंने दो ढोलकी के ब्लॉग बनाए, मैंने दो वैसे आमगढ़ में ब्लॉग बनाए, उन चारों को मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें सिर्फ मैं बक 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 ही कर रही थी, मेरे को कोई एक्टिविटी नहीं आई। ढोलकी वाले में एक्टिविटी थी बट फिर मैंने कहा नहीं अब हम शादी का ब्लॉग ही बनाएंगे। और अभी मैं स्कूल भी आज गई हुई थी, हालांकि आज मेहंदी है घर में बट जाना ज़रूरी था। मैं स्कूल से आई, पूरी रात हमने प्रैक्टिस की इसलिए मैं फिर स्कूल गई, स्कूल से आई फिर मैं सो गई और अब मैं उठी। अब टाइम हो रहा है 5:53 और हमारी मेहंदी स्टार्ट होनी है 7:38 तक। तो अभी मुझे जहाँ जगह मिल रही है मैं सोई जा रही हूँ। मेहमान आ गए हूँ मैं घर में काफ़ी ज़्यादा और अब मैं उठी हूँ, भूख लगी थी, अब मैंने चाय पीनी है। और ये पीछे सारे ड्रेसेस लगे हुए हैं, मतलब प्रेस करने के लिए गए हुए थे। यस, तो अभी हमारी गर्मा गर्म चाय आ गई, अब हम इसे इंजॉय करेंगे और जो हमारे सर में दर्द हो ये सब खत्म करेंगे क्योंकि फिर भाई तैयार भी होना है, टाइम नहीं है। अभी मैं थोड़ी सी डांस प्रैक्टिस करूंगी और उसके बाद फिर मैं मोबाइल को चार्ज लगाऊंगी क्योंकि चार्जिंग नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने तैयार होंगी, मेकअप वगैरह करूंगी, ड्रेस वगैरह पहनूंगी। यार तो मेरा ये सबसे बड़ा मसला है कि मैं मेकअप करूँ ना तो मेरे चेहरे से मेकअप उतर जाता है। हाँ तो मैं कह रही थी मेरा ये सबसे बड़ा मसला है कि मेरे फेस पे मेकअप ठहरता नहीं है, मैंने मेकअप किया वो मैक्सिमम आधे घंटे बाद निकल जाएगा। पर पार्लर वालों का मेकअप मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा अभी शादी में पार्लर से मेकअप करवाया था, मतलब तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, मतलब अपने आप में वो फीलिंग नहीं आ रही थी। तो अभी हम फजूल गए, ये बोलना वगैरह बंद करते हैं और अपनी स्टोरी जाकर लिख जाते हैं। सो बाय। अच्छा इस बात को हम छोड़ते हैं। तो मैंने मेहंदी लगवाई, इतनी प्यारी मेहंदी लगी, इतनी प्यारी, बिल्कुल टाइम नहीं था तैयार होने के पास, सब लोग पार्लर तैयार होने गए थे, मैंने खुद धोना था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझसे पार्लर में तैयार नहीं हो जाता बट कल परसों होंगी। तो कोई मैंने हेयर स्टाइल नहीं बनाया, फुल A1, मतलब बस सिर्फ आई शेडो लगाई थोड़ी सी। अच्छा जब से मैं तैयार हुई हुई मेरी किसी ने तारीफ नहीं की, इब्राहिम तुमने भी नहीं मेरी तारीफ की। अच्छा मेरी किसी ने तो अभी ना मतलब हमने मतलब जो मेहंदी पर खाना वगैरह, ओए अच्छा तो जो मेहंदी का खाना वगैरह होता है वो हम सबने खा लिया, बाहर रस्में चल रही हैं, फोटोग्राफर आए हुए हैं, वीडियोस बन रही हैं। तो अभी मैं रस्म करके आई थी तो वो ना मेरी सुबह से मतलब जब से मैं तैयार हुई ना मेरी तारीफ किसी ने नहीं की। अब मैं आ रही तो ना जो मतलब मतलब गली में जो मतलब जिनको बुलाते हैं गली से तो उन्होंने मुझे ना रोक के सलाम लगा ली, मैंने भी सलाम ली तो उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की कि मैं इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ सबसे, बस मेरा कॉन्फिडेंस सब बूस्ट हो गया और वो कहती मैं सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ। तो मतलब वो कहते हैं क्या जरूर सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही है, हम कब से यही देख रहे थे कि मतलब इसको कहें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और मेरी मेहंदी की इतनी तारीफें हुई हैं, इतनी ज़्यादा तारीफें हुई हैं और अब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे पहले इस तरह था कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि सब लोग पार्लर से तैयार होते थे पर सब बहुत अच्छे लग रहे थे, ना मैंने कोई हेयर स्टाइल ना है, मेरा भी हेयर स्टाइल रहता था तब सारे मेहमान आ गए, फिर मैंने कहा रहने देती हूँ मैं। और अभी बाहर रस्में चल रही हूँ, बाहर ना गर्मी है इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई और थोड़ा बिजी भी हूँ घर की शादी है। अभी मैं इतनी ज्यादा थक गई ऊपर से हील्स पहनी है और अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ, अभी 12 बज गए हैं रात के और अभी तो डांस वगैरह करने हैं, अभी तो सिर्फ फोटोशूट हो रहा है, रस्में वगैरह होगी, खाना वगैरह हो गया, अब तीसरा काम है फोटोशूट का। अभी इतना लंबा फोटोशूट चल रहा है फैमिली का भी और दूसरा चीजों का भी, तो अभी वो इतना लंबा और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मैंने मोबाइल ऑन तक नहीं किया, मोबाइल की फुल चार्जिंग है तो मुझे ऑन, मैंने अपने आप की भी कोई तस्वीर नहीं बनाई और मोबाइल तो बिल्कुल भी ऑन नहीं किया, मौका ही नहीं मिला मोबाइल ऑन करने का। बहरहाल मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को।
साड़ी पहनी है जो इतनी 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 ज्यादा अच्छी लग रही है, पर कैमरे में इतना बुरा मेकअप लग रहा है, इतना बुरा मेकअप लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। पर रियल लाइफ में इतनी अच्छी लग रही है और सबने बहुत ज्यादा तारीफ किया, पता नहीं कैमरे में क्यों बुरा लग रहा है। रोटी खुल चुकी है और हम यहाँ पे स्टेज पे सच के बैठ गए हैं, लेकिन हम दुल्हन वाले हमें लोगों के पास उठ के जाकर पूछना चाहिए कि आपको कुछ किस चीज की जरूरत है, पर नहीं अपना बोला तो मैं आपको छोटी सी अपडेट देती हूँ कि मैं स्कूल थी और माशाल्लाह से मेरे रिक्शे वाले अंकल मुझे लिए बगैर चले गए। बहरहाल चलो मैंने कहा मुझे जाते थोड़ा सा व्लॉग ना लेते और मैं आपको बता देती हूँ कि सीन शीन को जिस तरह क्या जाए मेरी फूफा का मकलावा, मतलब कि वलीमे के बाद लड़की घर आ जाती है और फिर अगले दिन उसके घर वाले उसको लेने के लिए आते हैं उसके ससुराल वाले, तो इस तरह का वो सीन होता है, इसको कहते हैं मकलावा। ओके तो आज है मकलावा और ये है मेरा स्कूल। और यस शादी का व्लॉग तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया, मैं इतनी थकी हुई है, अब शादी से बंदा फ्री हो और वो सो जाए इतनी, एक तो घर की शादी में बिल्कुल मजा नहीं आता इतना तो मुझे पता चल गया। तो ये चिंगा मिंगा सा मेरा व्लॉग था, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो दैट्स फॉर टुडेस वीडियो, होप यू गाइस लाइक इट एंड एंजॉय इट वेरी मच। थोड़ा मुझे खुद नहीं समझ आई ये व्लॉग क्या हुआ, मैंने तो बनाया ही नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं था, मैं इतना थकी हुई इतना थकी हुई इतना थकी हुई इतना थकी हुई कि बस मैंने सोने ही की। मैं इतनी नींद पूरी की है, इतनी नींद पूरी की है, इतनी नींद पूरी की है, क्या बताऊंगा, फिर भी नींद आ रही है। इसे कहते हैं शादी घर की।